गावतारम वाली में जन्म लॉरेंस बिश्नोई का नाम आज हर किसी की जुबान पर है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का नाम पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ रहा है। बता दें कि इस आम विद्यार्थी के गैंगस्टर बनने की कहानी बिल्कुल फिल्मों जैसी ही है। एक झगड़े ने लॉरेंस को आपराधिक दुनिया में धकेल दिया। यहाँ से शुरू हुआ उसका सफर अभी तक नहीं थमा। लॉरेंस बिश्नोई मूल रूप से शीतो रोड स्थित गाँव दूतारा वाली का रहने वाला है। लॉरेंस के पिता लखविंदर बिश्नोई पेशे से किसान हैं व उनके पास करीब 110 एकड़ जमीन है। लॉरेंस का एक छोटा भाई अनमोल है। लॉरेंस ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अजमशन कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की, जिसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ चला गया। गांववासियों का कहना है कि बिश्नोई आम नौजवानों के जैसा था। लॉरेंस युवाओं के साथ खेलता था, इसके साथ ही उसे घोड़ों का भी बहुत शौक था। वह गाँव में सभी का मान सम्मान करता था, लेकिन उसको पहले से ही अन्याय पसंद नहीं था। लॉरेंस बिश्नोई ने कॉलेज के झगड़ों से रखा अपराध की दुनिया में कदम, जिसमें मूसेवाला हत्याकांड में आया नाम। आपको बता दें, कॉलेज लाइफ में वह पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के स्टूडेंट यूनियन SOPU का प्रधान भी रहा। ऐसा नहीं है कि लॉरेंस शुरू से ही झगड़े वाला था, बल्कि स्कूल स्तर तक उसने अपनी शिक्षा बड़े अच्छे ढंग से पूरी की। वह खेलों का शौकीन था, क्रिकेट उसे काफ़ी पसंद था। उसने कॉलेज के समय में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में एंट्री की, जिसके बाद उसकी लाइफ ही बदल गई। उस झगड़े ने लॉरेंस के आपराधिक दुनिया में धकेल दिया। उस पर 5 राज्यों में कई मामले दर्ज हैं। बचपन से ही लॉरेंस को पढ़ाई का काफ़ी शौक था। यहाँ के स्कूलों में अच्छी पढ़ाई करने के बाद उसने चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में बैचलर ऑफ लॉ करने के लिए दाखिला लिया। इस दौरान लॉरेंस ने कॉलेज में ही बनाए गए छात्र संघ का चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इस दौरान उसका दूसरे ग्रुप के साथ झगड़ा भी हुआ, जिसके लिए उस पर मामला भी दर्ज हुआ। वह ज़्यादा सुर्खियों में तब आ जब कोर्ट में पेशी के दौरान उसने प्रसिद्ध अदाकार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे दी। इसके पीछे असल वजह यह है कि सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। लॉरेंस ने कहा कि वह काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान से बहुत खफा है और उसे मारा जाएगा, क्योंकि बिश्नोई समाज वृक्षों व जानवरों से अथाह प्रेम करता है। गांव दूतारा वाली में जन्मे लॉरेंस बिश्नोई को हर कोई जानता है। एक पक्ष ने उसे ठीक मानते हुए कहा है कि उसके पिता के पास 110 एकड़ जमीन है, तो ऐसे में फिरौतियां मांगने वाला काम क्यों करेगा। गांव में कुछ लोगों का कहना था कि लॉरेंस को कॉलेज में हुए एक झगड़े के बाद से ही जेल में रखने का प्रयास है। उस पर लगातार मामले दर्ज किए गए, लेकिन वह ऐसा नहीं था। गांववासियों ने बताया कि आज तक लॉरेंस का किसी भी गांववासी के साथ झगड़ा नहीं हुआ। वह तो गौशालाओं व लड़कियों के विवाह में दान देता था और पिछले 11 सालों से गांव में नहीं आया। अब उसका नाम मूसेवाला हत्याकांड में लिया जा रहा है, जबकि वह तो जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।